हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कानपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में 8 साल की बच्ची के साथ गंदा काम करने वाले आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 70 साल के मौलाना को पुलिस ने उसके रिश्तेदार के घर से पकड़ा। पुलिस ने सोमवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मोहल्ले के लोगों ने मौलाना को रंगे हाथ पकड़ा था। पिटाई के बाद वो चकमा देकर तब फरार हो गया था। मिल रही जानकारी के मुताबिक कानपुर के थाना गौर टोली के रहने वाले मौलाना मुख्तार ने शुक्रवार शाम 7:30 बजे पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची को बहाने से अपने घर ले गया। यहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस दौरान आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मौलाना का वीडियो बनाते हुए उसे पकड़ लिया। वहीं कुछ लोगों ने पंचायत कर मौलाना का फैसला करने का सोचा, जिसका फायदा उठाकर मौलाना वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौलाना की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने मौलाना मुख्तार पर धारा 376 का मामला दर्ज किया था। सोमवार को मुखबिरों से सूचना मिली कि मौलाना ग्वाल टोली में ही अपने रिश्तेदार के घर पर छिपा, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मौलाना को धर दबोचा। लोगों का अंदाजा है कि मौलाना शुक्रवार को भागा नहीं था, बल्कि उसे बचाने के लिए घर में छिपा लिया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि मौलाना की सामाजिक छवि अच्छी नहीं है। 5 टाइम का नमाजी था, इसीलिए लोग उसे मौलाना कहते थे। मामले का वीडियो पुलिस ने एविडेंस के रूप में कलेक्ट कर लिया है। फोरेंसिक एविडेंस की भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और पीड़िता के घर वालों ने बताया कि मौलाना पहले भी 2 बच्चों के साथ गलत काम कर चुका है, लेकिन लोक लाज के डर से लोगों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन इस बार सभी लोगों ने मौलाना पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही शुक्रवार रात को मौलाना ने बच्ची को पकड़ा, आसपास के दुकानदार उसकी इस हरकत को देख रहे थे। इसके बाद मौलाना बच्ची को अपने कमरे में ले गया, यहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। मौलाना की गंदी हरकत को पड़ोसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, ताकि आरोपी अपनी बात से मुकर नहीं। इसके बाद दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया। नंग अवस्था में पकड़ा गया मौलाना गिड़गिड़ाने लगा और धर्म की दुहाई देकर हाथ पैर जोड़ने लगा। इस दौरान कुछ लोगों ने मौलाना को बचाने के लिए पंचायत बुलाकर इस मामले को निपटाने की कोशिश की, वहीं इसका फायदा उठाकर मौलाना फरार हो गया था। 8/2024 को थाना ग्वाल टोली पर एक 376 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस संबंध में थाना ग्वाल टोली की पुलिस ने जो आरोपी मौलाना था उसको गिरफ्तार किया है। उसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा, ये लगभग 65 से 70 वर्ष की उम्र का है। इसने एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार का प्रयास किया था। उसे गिरफ्तारी की गई है और उसे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल में भेजा जा रहा है। सर, इसकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? इसकी अरेस्टिंग 6 बगलिया थाना ग्वाल टोली के अंदर कर की गई। सर, ये 2 दिन कहाँ रहा, क्या बताया कि मौके से भाग निकला, इसके बाद कहाँ पर छिपा हुआ था? ये यहीं पर जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे छिपा हुआ था जो है, क्योंकि ये मोबाइल फोन नहीं रखता था, ये कभी यहाँ रहता था कभी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रहता था, इसलिए अपना जो है छिपा हुआ था। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने आया है? पूर्व में कोई इस तरीके की घटना? इसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन मोहल्ले के लोगों से पता करने पर इसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं है। ये किसी मदरसे वगैरह में भी था? मदरसे में नहीं था, ये 5 वक्त का नमाज।